डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके गेट के आपके पीएस यू के इंटरव्यू में बहुत काम आने वाला है एंड दीजियोलीस मिनट पंद्रह मिनट मैक्सिमम बीस मिनट के होने वाले हैं तो बेटा कुछ ही मिनटों में अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड देन वॉच दीज काइंड ऑफ वीडियोज विच आई विल बी मेकिंग तो बेटा इस पूरे महीने में ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूं एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेंट प्रिंसिपल आप में से बहुत सारे बच्चों ने सेंट प्रिंसिपल का नाम भी नहीं सुना होगा मे बी आपने सेंट वेनेस थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ा होगा बट सेंट वेनेट्स प्रिंसिपल इज अ डिफरेंट प्रिंसिपल तो आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसके ऊपर एक्साम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नाउ इफ यूर वॉचिंग फॉर द फर्स मी क्विकली इंट्रोड्यूस माइसे रैंक इन गेट मैकेनिकल एम टेक फ्रॉम आई आई टी खड़गपुर टू प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिजाइन ऑफ कार्स एट महिंद्रा रिसर्च वैली सिक्स प्लस इंस टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई टीच सब्जेक्ट रिलेटेड टू डिजाइन सॉम एम डी एम एंड टॉम अब आते हैं फटाफट सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल पे लेट्स टॉक अबाउट सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल नाउ दिस इज नॉट सेंट वेनेंट्स थ्योरी ऑफ फेलियर अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेंट वेनेंट्स थ्योरी ऑफ फेलियर है तो बेटा आप गलत है सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस तो सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं लेट्स कंसिडर दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल एक बार है विच इज फिक्सड एट वन एंड इसके एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया है ओके नाउ वी आर अप्लाइंग अ लोड एट द अदर एंड अब ये लोड जो हम लगाने वाले हैं ये हम कैसे लगाने वाले हैं अंडरस्टैंड द लोड दैट वी अप्लाई लाइक दिस ये जो लोड लगता है इसको लगाने के दो तरीके हैं देर आर टू मेथड्स टू अप्लाई दिस लोड या तो आप इस लोड को इस पूरे क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो अब इस क्रॉस सेक्शन में इस पूरे लोड को डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे वी विल यूज अ रिजिड प्लेट हम एक रिजिड प्लेट लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर ये लोड अप्लाई करते हैं तो ऐसा करने पे क्या होगा वॉट विल हैपन इफ आई एम अटैचिंग अ रिजिड प्लेट एंड देन आइंग द लोड ये जो लोड है वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओके तो एक ये तरीका है दूसरा तरीका क्या है वॉट इज द अदर मेथड ऑफ अप्लाइंग द लोड द अदर मेथड ऑफ अप्लाइंग द लोड इज दैट यू डायरेक्टली अप्लाई द लोड एट अ पॉइंट थिंकिंग वट विफरेंस आप सोच रहे हो गए कि इससे डिफरेंस क्या क्रिएट होगा राइट यू माइट बी थिंकिंग फर्क पड़ जाएगा तो मेरे भाई अब मैं आपको बताता हूं कि इससे एग्जैक्टली exactly क्या फर्क पड़ता है ओके लेट से इन द फर्स्ट केस आई एम अप्लाइंग अ लोड थ्रू अ रिजिड प्लेट ओके सो वोट इज गोइंग टू है टेंसाइल लोड राइट सो इफ देर इज अ टेंोड लेथ ऑ ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज राइट लेट्स कंसिडर डिफरेंट लेयर्स ऑफ दिस बॉडी हम इसके अलग अलग लेयर्स को कंसिडर करते हैं लेट्स कंसिडर डिफरेंट लेयर्स तो मैंने कुछ इस तरीके से अलग अलग लेयर्स कंसिडर किए नाउ वेन आई विल अप्लाई अ लोड थ्रू अ रिजिट प्लेट द लोड विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इफ द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द लेंथ विल इंक्रीज इक्वली ऑफ एवरी लेयर हर लेयर की जो लेंथ होगी वो इक्वली इंक्रीज होगी कुछ इस तरीके से द लेंथ विल इक्वली इंक्रीज लाइक दिस कैन यू सी द लेंथ ऑफ इच लेयर इज इक्वली इंक्रीज यहां से यहां तक जो लेंथ इंक्रीज हो रही है हर लेयर की इक्वली इंक्रीज हो रही है एंड इफ द लेंथ इज इक्वली इंक्रीज इट मींस द स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तक स्ट्रेन जो है वो कॉन्स्टेंट है राइट right? इस पॉइंट से लेके बॉटम पॉइंट तक का जो स्ट्रेन है वो कॉन्स्टेंट है एंड इफ द स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट एप्सिलट इट मीनस फ्रॉम हुक्स लॉ सिग्मा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट तो वी डायरेक्टली यूज सिग्मा विल बीवल टू लेट सेक्शनल वॉट इज हैिंग मैंने एक रिजिड प्लेट के थ्रू यह लोड अप्लाई किया है तो हर पॉइंट का जो डिफॉर्मेशन है वो सेम है और अगर हर पॉइंट का डिफॉर्मेशन सेम है तो इसका मतलब हर पॉइंट का स्ट्रेस इज ऑल्सो सेम राइट अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं नाउ लेट्स कंसिडर अ सेकेंड केस एक सेकेंड ओके नाउ लेट्स कंसिडर अ सेकेंड केस द सेकेंड केस इज वी आर अप्लाइंग लोड एट द सेंटर विदाउट द रिजिड प्लेट अब इस केस में क्या होने वाला है ध्यान से देखो लेट्स कंसिडर डिफरेंट लेयर अगेन लेट्स कंसिडर डिफरेंट लेयर्स अगेन नाउ इन दिस केस द लोड एट द सेंटर विल इंक्रीज द लेंथ एट द सेंटर मोर कंपेयर टू दीज लेयर्स यानी कि इस लेयर की जो लेंथ है वो ज्यादा इंक्रीज होगी कंपेयर टू अदर लेयर्स कुछ ऐसा चेंज इन लेंथ होने वाला है It will be something like this. Can you see the change in length at the center is more compared to the change in length at the corners. Why this is happening? This is happening because the load is concentrated at the center. Yahape, The load was applied through a rigid plate, so it was uniformly distributed. But here, the load is.

यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं जो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड से बहुत दूर है तो उस केस में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोड जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लोड तो इज इट क्लियर टू यू सेंट वेनेट्स प्रिंसिपल क्या बोलता है सेंट वेनेट्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आप ऐसा एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हो जो लोड के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बहुत दूर है तो उस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहेगा इस तरीके का नहीं होगा इफ आई कंसिडर अ क्रॉस सेक्शन ियर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ठीक है यानी कि अगर मैं ऐसा क्रॉसिडर करूं जो load के पास है तो वहां पर जो stress distribution है, वो डिपेंड करेगा कि आप लोड कैसा लगा रहे हो ठीक है जैसे इस केस में लोड में सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं तो सेंटर पे स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है ठीक है लेकिन अगर आप क्रॉस सेक्शन बहुत दूर लो तो उस केस में यह फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोड को एक पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इसीलिए आप जब भी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस निकालने की इक्वेशन यूज करते हो तो वो जो क्रॉस सेक्शन होता है दैट इज अवे फ्रॉम द लोड हम जब भी ये इक्वेशन यूज करते हैं सिग्मा इक्वल्स टू पी बाय ए हम कौन सा क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे होते हैं वी वर्क वी आर कंसीडरिंग अ क्रॉस सेक्शन विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द लोड दैट्स वाई द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड ओके तो अगर मैं वर्ड्स में सेंट वेनेट्स प्रिंसिपल को लिखूं देन अकॉर्डिंग टू सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल इफ द क्रॉस सेक्शन Is far away from the load stress distribution on that cross section, stress distribution on that cross section is independent of. एप्लीकेशन ऑफ लोड यानी कि अगर आप ऐसा क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं जो लोड से बहुत दूर है तो उस क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लोड यानी कि किस तरीके से लोड लगाया जा रहा है वेदर इट इज अप्लाइड एट अ पॉइंट और वेदर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया इट डजेंट मैटर बट इफ यू आर वेरी क्लोज टू द लोड

अगर मैं पूरे एरिया को साथ में पकड़ के खींचूंगा तो पूरे एरिया का डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होगा लेकिन एक पॉइंट को पकड़ के अगर मैं खींचूंगा तो उस पॉइंट की लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा इंक्रीज होगी कंपेयर टू अदर पॉइंट्स और ये चीज तभी वैलिड होगी जब आप उस क्रॉस सेक्शन को ले रहे हो जो लोड के बहुत पास है जैसे जैसे आप इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से दूर जाते जाओगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा दिस इज सेंट वेनेट्स प्रिंसिपल और ये सेंट वेनेट्स प्रिंसिपल जो है हम थ्रू आउट स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल यूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग स्ट्रेस वी कंसिडर क्रॉस सेक्शन वेरी फार फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ लोड फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, ओके, okay? अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो क्या ही बनेगा लेकिन थ्योरी क्वेश्चन बेसिक कंसेप्चुअल प्रिंसिपल तो अगर आपसे पूछा जाए सेंट वेन्ट्स प्रिंसिपल क्या है तो आप ये दो एग्जाम्पल दे के इंटरव्यूअर को समझा सकते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली सेंट प्रिंसिपल ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास अब ये जो कॉन्सेप्ट्स इन मिनट्स वीडियोस मैंने स्टार्ट किए हैं इन वीडियोस में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स हम अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट से डील करेंगे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट के फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे और हो सकता है हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस से भी डील करें ओके okay? सो so बेटा इफ यू वांट मी टू डील विथ सर्टन टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट या आपको किसी कॉन्सेप्ट का फिजिकल एप्लीकेशन समझना है सिग्निफिकेंस समझना है देन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आप कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट डिटेल में अच्छी तरह समझना है और आपको किन कॉन्सेप्ट्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन समझना है या आपको किन कॉन्सेप्ट्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है और अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलता है इफ़ यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है जो कन्वेंशनल क्वेश्चन बन सकता है जिससे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं सीख सकते हैं देन यू कैन ऑल्सो सेंड मी दैट क्वेश्चन एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट ओके अब इसके अलावा अगर आप गेट या ई या किसी भी पीएसयू एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं and if you are thinking of buying recorded videos or recorded lectures, don't do that because आपको सारी चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी on YouTube. We have recently started K2K batch for Gate 2022. हमने Gate 2022 के लिए कलम तू कलम नाम से एक batch start किया. कलम तू कलम is dedicated to our favourite APJ Abdul Kalam sir जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के फुल कोर्सेज मिल जाएंगे तो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो बेटा डोंट डू दैट आपको सारी चीजें यहां मिल जाएंगी लेकिन इस बैच में यू विल बी ओनली गेटिंग लेक्चर्स बट अगर लेक्चर से और कहीं ज्यादा अगर आप चाहते हो गेट या ई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी है क्लासरूम के जैसा एनवायरमेंट चाहिए तो फिर डमी प्लस अब अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ यहां मिल रहा है तो अकेडमी प्लस क्यों लेना अन अकेडमी प्लस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पॉसिबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल अन अकेडमी प्लस पे आपको डेली असाइनमेंट मिलेंगे अन अकेडमी प्लस पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको शेड्यूल्ड क्लासेज मिलेंगी शेड्यूल्ड क्लासेज यानी कि हर क्लास का आपको पहले से शेड्यूल मिला रहेगा फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैच में पढ़ रहे हैं तो उस पूरे बैच का शेड्यूल आपके पास पहले से रहेगा कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है वो भी आपको पता रहेगा यू विल बी हैविंग क्वेश्चन बैंक यू विल बी हैविंग क्लासरूम एनवायरमेंट आपके पास डाउट क्लियरिंग्स के लिए बहुत सारे सेशन रहेंगे यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट ओके आप कोई भी डाउट्स है आप उसको क्लियर करवा सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन क्लासरूम में देर विल बी पर्सनल गाइडेंस ऑफ सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड यू विल गेट द नोट्स राइट आफ्टर द क्लास आपको क्लास के बाद उस क्लास की पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है सो आर 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 लॉट ऑफ थिंग्स पॉसिबल पॉसिबल ऑन ऑन प्लस नॉट और एनी अदर प्लेटफॉर्म सो इफ यू वॉन्ट टू बाई अनअकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन देन डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड अप्रूव टेन In order to get 10% off instantly, and in order to get my personal guidance and my personal assistance. Okay, mira guidance, mira mentorship, you want, then don't forget to use this code approve 10 in order to get 10% off. Okay, so I will be sharing such types of short videos in order to improve your concepts, in order to deal with पर्सनल इंटरव्यूज, ओके, और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो बेटा प्लीज डू शेयर दैट प्लीज राइट इट इन द कमेंट्स, एंड बिफोर लीविंग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू सो मच